कलयुग को आरंभ हुए लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं। युग परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है और इसे खत्म होने में कम से कम 1.25 लाख वर्ष बाकी हैं। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में तो श्राप लगता था, परंतु क्या कलयुग में श्राप लगता है? इसी विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति होती थी और वह जिसे भी श्राप देते थे उसका फल उसे अवश्य मिलता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्यात्मा थे वो भी घोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही इसके लिए कोई कानून था। अगर पाप होता भी था तो उसे नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते थे। आप तो जानते ही हैं, भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था। इसका मुख्य कारण यही है कि जब जब पाप में बढ़ोतरी होगी और धर्म की हानि होगी तो भगवान स्वयं अवतार लेकर पाप को नष्ट कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसका उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं, भगवद गीता के अनुसार इस कलयुग में पुण्यात्मा मिलना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। और उस पुण्यात्मा के पास एक संकल्प की शक्ति होती है और वह हर कार्य उसी शक्ति के द्वारा करते हैं। और वही पुण्यात्मा अगर किसी को श्राप दे दे तो उसका फल तुरंत ही अवश्य घटित होगा। और इसके विपरीत अगर कोई सामान्य इंसान जिसने पाप भी किए हैं और पुण्य भी, यानी दोनों पाप और पुण्य दोनों का पलड़ा बराबरी का हो, अगर वह व्यक्ति किसी को श्राप दे तो उसका भी श्राप का फल घटित होगा, परंतु उसके श्राप के फल को घटित होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति तो जरूर है पर उस शक्ति का प्रभाव काफी कम है। और वहीं कोई पापी मनुष्य किसी को श्राप दे तो उसका फल कभी घटित नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसके पास शक्ति है और ना ही उसका प्रभाव। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि अब आप जान गए होंगे कि कलयुग में श्राप लगता भी है और नहीं भी। धन्यवाद।